हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर फर्स्ट वीलॉग। और जो हमारा वीलॉग होने वाला है, ये हमारा एक बेसिकली एक रोड ट्रिप होने वाला है, जिसे हम फैमिली रोड ट्रिप बोल सकते हैं, क्योंकि ये मैं अपने फैमिली के साथ कवर करने वाला हूँ बिहार से लेकर के असम तक में। और हम इस ट्रिप को स्टार्ट करने वाले हैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से लेकर के नॉर्थ लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट। जो नॉर्थ लखीमपुर है वो असम में पड़ता है और भागलपुर जो है वो बिहार में पड़ता है। और इस ट्रिप में जो गूगल मैप हमें टाइमिंग शो कर रहा है वो अप्रॉक्स कर रहा है 22 hours to 25 hours, मतलब ये फ्लक्चुएट करता है टाइम के अनुसार। दिन में देखोगे तो अलग आएगा, रात को देखोगे तो अलग आएगा, वो अपना देख लेना, मैनेज कर लेना। और बाकी बात हम आगे करेंगे, आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है अराउंड 4:54 मॉर्निंग। और अभी हम बेसिकली मॉर्निंग में हम अपनी गाड़ी को एक बार चेक करने आए हैं, सब चीज़ ओके है कि नहीं है। और ऑडोमीटर को भी हम एक बार देख लेंगे कि ऑडोमीटर हमारा ज़ीरो है कि नहीं है, क्योंकि हम इस ट्रिप में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं, क्या हमें हमारी गाड़ी रेंज देगी एक फुल टैंक के बाद, हम वो सब चीज़ भी इस ट्रिप में देखने वाले हैं। तो बेसिकली मैंने अपने ऑडोमीटर को भी ज़ीरो कर दिया है, गाड़ी को भी मैंने सब चीज़ चेक कर लिया, इंजन ऑयल कूलेंट ब्रेक्स ऑयल जितनी भी चीज़ें होती है सब चीज़ मैंने चेक कर लिया है। और बाकी जो भी चीज़ होता है वो ट्रिप के दौरान मैं आपको ट्रिप में आगे चल चलते सब चीज़ बताऊंगा, हम अपने रास्ते वास्ते सब चीज़ आपको डिस्क्लोज करेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। अभी का जो टाइमिंग है वो अराउंड 6 मॉर्निंग है। तो हम बेसिकली अपना गाड़ी वाड़ी सब तैयार कर लिए हैं, जितना भी सामान है हम गाड़ी में लोड कर लिए हैं, क्योंकि हम अभी अरुणाचल शिफ्ट हो रहे हैं 1.5 ईयर के लिए। तो हमें सारे जितने भी हमारे नेसेसरी सामान है हम सब अपनी गाड़ी में रख लिए हैं। बाकी चीज़ें मैं आपको ट्रिप के दौरान बताते रहूँगा, आप हमारे साथ बने रहें। अभी जो है हम विक्रमशिला सेतु के ऊपर हैं, जो 6th लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया की 4.7 किलोमीटर के साथ, जो NH 33 और NH 31 को कनेक्ट करती है। वन साइडेड रोड है, रिवर गंगा के ऊपर ही बनी हुई है। ये ट्रिप के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ, क्या हमारा रास्ता रहने वाला है, किस रोड को हम ट्रैवल करने वाले हैं इस ट्रिप में। इस ट्रिप में बेसिकली हम भागलपुर से ये ट्रिप स्टार्ट करेंगे और हम पूर्णिया होते हुए किशनगंज होते हुए निकलेंगे, जिसमें हम बिहार को क्रॉस कर जाएंगे। किशनगंज क्रॉस करने के बाद हम सिलीगुड़ी को बाईपास करते हुए जलपाईगुड़ी घुसेंगे, जिस तरीके से हम वेस्ट बंगाल को और कोच बिहार को भी बाईपास करने के बाद हम वेस्ट बंगाल को भी कम्प्लीट कर लेंगे। वेस्ट बंगाल को कम्प्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा बोगागांव। बोगागांव होते हुए हम लोग गुवाहाटी को बाईपास करते हुए तेजपुर की तरफ हम बढ़ेंगे। हम तेजपुर इस गुवाहाटी को हम बाईपास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो रास्ता है वो हम अपर साइड ऑफ असम जा रहे हैं, तो हमें गुवाहाटी जाने का कोई तुक बनता नहीं है। गुवाहाटी अगर हम कवर करेंगे तो हमें अराउंड 100 kilometers का एक्स्ट्रा ट्रिप पड़ जाएगा, इसलिए हम गुवाहाटी को बाईपास कर रहे हैं। बाकी हम तेजपुर के बाद सीधा नॉर्थ लखीमपुर का एक स्ट्रेट हाईवे है, हम उसको पकड़ेंगे और हम अपना ट्रिप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद। अभी जो हम स्टे किए हैं कुरसेला के पास किए हुए हैं, कुरसेला जो है आपका पूर्णिया से अराउंड 50 किलोमीटर्स पहले पड़ता है। तो हम यहाँ पे अपने जो किया सोनेट 7 DCT मॉडल है हम इसे रिफ़िल करवा लेंगे, फुल टैंक करवा लेंगे फिर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था इस वीडियो में, हम आपको इसका जो एग्जैक्ट रेंज है, एग्जैक्ट तो नहीं, एक अनुमान का रेंज हम बताएंगे कि हमारी किया सोनेट 7 DCT मॉडल जो टॉप एंड लाइनअप है वो क्या एवरेज निकालती है, क्या रेंज निकालती है एक फुल टैंक में। देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने अपना जो ऑडोमीटर है वो ज़ीरो कर दिया है फिर से, जो दूसरा ऑडोमीटर था जिसमें बेसिकली 2 meters हैं, तो हमने एक को तो अभी रन में रखा ही है, तो दूसरा है हमने वो ज़ीरो कर दिया है। अभी हमें 670 का जो रेंज हमें शो कर रहा है, ये एग्जैक्ट क्या होगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आपको हम अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ये ज़रूर बता सकते हैं कि हमें इस गाड़ी ने फुल टैंक में क्या रेंज प्रोवाइड किया है। बाकी तो मैं आपको जितनी भी डिटेल होगी गाड़ी की, मेरी खुद की एक्सपीरियंस होगी, वो मैं आपको इस वीडियो के दौरान ज़रूर शेयर करूँगा। जितनी चीज़ें मैं कर सकता हूँ आपके साथ शेयर इस गाड़ी के दौरान और इस ट्रिप के दौरान, मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर करूँगा। अभी जो मैंने 27 पूर्णिया में है और यहाँ पूर्णिया तक का जो रोड है वो 2 lane है, और पूर्णिया के बाद जब हमारा रास्ता स्टार्ट होने वाला है वो NH 27 वो 4 lane स्टार्ट हो जाएगा। और ये 4 lane जो है उसके बाद हम असम सिलीगुड़ी मतलब वेस्ट बंगाल पूरा हो गया, पूरा जितना भी असम का रास्ता हो गया बोगाईगांव तेजपुर तक हमें 4 lane ही रास्ता है एक
जो NH-31 हमें फॉलो करना है वहाँ, मतलब आगे जाके हमें NH-31 भी मिलने वाला है अभी आगे में, तो यही हमारा पूरा रास्ता होने वाला है अभी। बेसिकली अभी हम NH-27 पे हैं और पूर्णिया किशनगंज हाईवे पे हैं हम लोग। ये पूर्णिया किशनगंज हाईवे से ही हमारा 4 लेन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ के बाद हमें इस्लामापुर, जैसे कि हमें गूगल मैप शो करता है कि हमें जो ये रास्ता लेके जाएगा ये इस्लामापुर होते हुए लेके जाएगा। इस्लामापुर हो गया आपका, इस्लामापुर के बाद हमें मिलेगा इसमें सिलीगुड़ी बाईपास का रास्ता मिलेगा, फिर जलपाईगुड़ी होते हुए घुसेंगे, मतलब बेसिकली जलपाईगुड़ी का भी बाईपास पे ही हम लोग जाएंगे। जलपाईगुड़ी होते हुए हम लोग फिर असम इंटर करेंगे, मतलब असम से पहले हम कोच बिहार को बाईपास करेंगे। कोच बिहार बाईपास करते हुए हम बोगाई गांव से हमारा असम स्टार्ट हो जाता है, मतलब हम असम इंटर करेंगे बोगाई गांव के होते हुए। यहाँ से हमें शायद NH-31 मिलेगा या NH-17, कुछ ऐसा ही है, हम आगे रास्ते में देख लेंगे अभी कौन सा मिलेगा। बोगाई गांव होते हुए फिर हम सीधा आपका गुवाहाटी बाईपास करते हुए तेजपुर घुसेंगे, और तेजपुर तक का जो हमारा पूरा रास्ता होने वाला है वो 4 लेन ही होने वाला है, तेजपुर तक का रास्ता बस। और उसके बाद हमें सिंगल लेन है वहाँ के बाद हमारा रास्ता। बट मैं आपको यहाँ पे एक हैक देना चाहूँगा किशनगंज हाईवे के लिए, किशनगंज पूर्णिया हाईवे के लिए। ये जो हाईवे है ये 4 लेन ज़रूर है, लेकिन मैं आपको बीच बीच में कहीं कहीं ऐसा मुझे देखने ज़रूर मिला है कि डाइवर्जन्स बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। अंडर कंस्ट्रक्शन का मेरा मतलब ये है कि अभी कहीं कहीं बीच में छत कुछ काम बच जाता है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, अक्सर रोड कंप्लीट होने के बाद ही यहाँ पे कुछ काम याद आता है, तो वहीं कुछ कुछ काम बचे हुए हैं रोड पे, इसके कारण बीच बीच में कहीं कहीं पे थोड़ा काम बचा हुआ है, इसको लोग फिनिश कर रहे हैं अभी इस हाईवे को, हाईवे पे मतलब। तो इसी कारण से बस थोड़ा मोड़ा यहाँ दिक्कत है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये रोड एकदम मक्खन है, आप मस्त इन्जॉय करते हुए जाएंगे इस रोड पर। ए, आपका नहीं ले रहा मैं। मम्मी का मिलो फिर यहाँ बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत लंबे पीछे से हम लोग आ रहे हैं अभी, और ऐसे ही ट्रक खड़ी है बहुत दूर तक, मतलब हमने रॉन्ग साइड से अभी हम ओवरटेक करके जा रहे हैं आगे देखने के लिए क्या हुआ है, फिर उस वक्त पता चलेगा हमें। और यहाँ देखिए, हम जब यहाँ पे आए तो हमें पता चला कि आगे पूरा रास्ता जाम किया हुआ है, अब हम अल्टरनेटिव पर रास्ता ढूंढ रहे हैं गूगल मैप पे, और देखते हैं आगे अब कुछ मिले हमें यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि ये जाम तो खत्म होने से रहा, हेलो। ये जाम यहाँ पे खत्म हाँ, होने ये वाला नहीं है। रिटर्न के लिए आ रहे हैं क्या हौज पोच का? अब हमें आगे का रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा कोई अल्टरनेटिव। इसका ये रिटर्न का रिक्वेस्ट है, हमें एक अल्टरनेटिव मिला यहाँ के लोकल से पूछ के और गांव वाले से पूछ के कि हमें जो ये अब किशनगंज हाईवे है, अब हमें इसे बाईपास करना पड़ेगा, और हमें इसे बाईपास करके गांव, और मतलब गांव के थ्रू हमें निकलना पड़ेगा, हमें दूसरे इस पार्ट को जो बेसिकली किशनगंज का ये पार्ट है इसको बाईपास करके हमें आगे हाईवे को पकड़ना पड़ेगा। तो क्या हो गया, देखिए अब क्या होता है। हम अभी इन सब रास्तों को बाईपास करते हुए ये मतलब किशनगंज हाईवे वापस लौटे हैं, और आप हमारे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं राजधानी हमारे साथ ही चल रही है। और हम बेसिकली जब अपना ये ट्रिप स्टार्ट किए थे तो राजधानी के ही टाइम पे अप्रॉक्स स्टार्ट किए थे, मतलब 6:30 समथिंग के अराउंड स्टार्ट किए होंगे हम अपना ट्रिप, और अभी हमारे साथ राजधानी साथ ही चल रही है, मतलब एक तरीके से मान ले तो अभी हम किशनगंज हाईवे पे ही हैं। कुछ मतलब रोड पे सीन हो गया था, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा अभी क्या सीन हो गया था, इसके कारण ये पूरा रास्ता जाम किया हुआ मतलब, और अभी जो हम उसी के किसी बाईपास पे अभी जो हम फिर से हम उस रास्ते पे आए थे, फिर से हमें जाम मिल गया था, मतलब रोड जाम है बेसिकली यहाँ पे अभी,
तो हमें अब कुछ लोकल्स के द्वारा हमें ये रास्ता बताया गया है। ठाकुरगंज होते हुए उन्होंने हमें सजेशन दिया है कि आप ठाकुरगंज होते हुए निकलो, आपको जाम नहीं मिलेगा यहाँ, आपको पूरा रास्ता भर जाम है। अब हम ठाकुरगंज होते हुए निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये गांव के थ्रू हम क्रॉस कर रहे हैं अभी। बहुत ही मुश्किलों के बाद हमें फिर से एनएच मिला है, ये NH-17 है और ये हम ठाकुरगंज हमें मिल गया, और ठाकुरगंज क्रॉस करते ही हमें ये एनएच मिला है। ये एनएच बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अब पता नहीं हम इस वक्त अभी एग्जैक्ट कहाँ पे हैं, लेकिन ये भी रास्ता ठाकुरगंज होते हुए हमें इस्लामापुर, मतलब चले गया, हम इस्लामापुर नहीं जा रहे हैं, अब ठाकुरगंज होते हुए हम सिलीगुड़ी बाईपास करने के रास्ता ढूंढेंगे। मतलब ये रास्ता बेसिकली सिलीगुड़ी जाता है, अब हम इस रास्ते से सिलीगुड़ी जाएंगे। जैसा कि आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ रास्ते में जो हमें ये हाईवे जाम मिल गया और हमें सारे रास्ते को बाईपास करना पड़ गया। बेसिकली क्या है कि जो वेस्ट बंगाल है और नॉर्थ ईस्ट है, इन दोनों को जब कोई कनेक्ट करता है वो दो ही रास्ते हैं, वो ठाकुरगंज वाला हाईवे जिस पर भी हम चल रहे थे और जो किशनगंज इस्लामापुर वाला हाईवे है। इन दोनों के अलावा कोई रास्ता नहीं है जो नॉर्थ ईस्ट को बाय रोड कनेक्ट करता है। मतलब आप अगर पूरा इंडिया बोलोगे और इंडिया अगर नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट हो रही है तो बेसिकली इन्हीं दोनों हाईवे के कारण हो रही है, जिसमें मेन हाईवे किशनगंज और इस्लामापुर हाईवे है। तो हुआ कुछ सीन ऐसा कि वेस्ट बंगाल में किसी चीज़ का स्ट्राइक चल रहा है। बेसिकली जो स्ट्राइक है ये वहाँ के आदिवासी लोगों ने किया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि जो NH है, जो किशनगंज इस्लामापुर वाला NH है, उसको पूरा ही जाम कर दिया। मतलब वहाँ पर एक भी गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, और उसका अल्टरनेटिव फिर बहुत दूर से ही है, इसलिए उन लोगों ने बड़ा दिमाग लगाया। उन लोगों ने क्या किया, पूरा NH जाम कर दिया, मतलब किसी को आगे जाने नहीं देंगे। अब सरकार देखो क्या करती है, अब सरकार को उनकी मांग मानेंगे तभी वो NH छोड़ेंगे। पर हमने फिर क्या किया कि अब हम उतना वेट तो नहीं कर सकते थे सरकार की मांग, मतलब इन लोग की मांग पूरी होने तक का। तो हमने बेसिकली एक अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढा और हमने उनके रास्ते को बाईपास किया, और अब हम सिलीगुड़ी घुस रहे हैं। अब देखो आगे में और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, अभी तो इतना ही फेस करना पड़ा है। बेसिकली हमारा 3 से 4 घंटा से ऊपर वेस्ट हो गया, क्योंकि हम जब गांव से क्रॉस कर रहे थे हमें रास्ता का भी कोई अंदाज़ा नहीं था। वहाँ के लोकल्स ने बड़ी हेल्प की कि आप इस रूट होते हुए जाओ, मतलब उन्होंने गाइड किया थोड़ा सा, आप यहाँ से होते हुए ठाकुरगंज होते हुए निकलो तो आप सही रास्ते में, मतलब आराम से बिना किसी प्रॉब्लम का आप आसाम आराम से घुस जाओगे सिलीगुड़ी बाईपास करते हुए। तो उनकी ही मदद से हमें ये NH मिला है, तो उनको बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने हमारे रास्ते भर हमें गाइड किया। और बेसिकली एक और असम की गाड़ी थी हमारे आगे, उनको थोड़ा रास्ता का अंदाज़ा था, वो पता नहीं पीछे कहाँ रह गए, उन्होंने भी थोड़ा रास्ता का गाइड किया। मतलब हम सब जितने लोग, मतलब एक बोलो तो काफिला निकली हुई थी पीछे, 15-20 गाड़ियाँ एक साथ जो असम जाने वाली है एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, और हम में से किसी को भी नहीं पता है भाई रास्ता कहाँ है। मतलब कभी कभी ऐसा हो रहा है सबसे आगे मैं चल रहा हूँ, मेरे आगे सब लोग चल रहे हैं। मैं एक बार रोका, मैं गाड़ी अपनी रोका और पूछा, भाई आपको रास्ता पता है, तो बोल रहे हैं नहीं। मतलब सब किसी को नहीं पता है, सब एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, और सबका एक ही एम है किसी तरह से इस रोड को बाईपास करें और हम NH पकड़ लें। और हमें जो ये भी स्ट्राइक का सीन हुआ था, मतलब ये स्ट्राइक हमें ना मिले और हम अपना रास्ता पकड़ लें। प्रॉब्लम तो बहुत हुआ, चलो कोई नहीं, अब कुछ इन लोग का सीरियस इशू है इसके कारण ये लोग स्ट्राइक किए हुए हैं, अब देखो क्या होता है इनका भी। भाई इसलिए बोलता हूँ, कभी भी अगर रोड ट्रिप करो तो अपने रास्ते से मत भटको। अभी हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि अभी हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, ये रास्ता मतलब पता नहीं कैसा है, जो हमने देखा है लोगों के साथ, लोगों के मुँह से सुना, ये वैसा रास्ता तो नहीं है, हम कहीं किसी और रास्ते पे ही लगता है आ चुके हैं। पर लेकिन ये रास्ता सही है, ऐसा नहीं कि रास्ता ख़राब है, रास्ता एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं रास्ते में। बस ये सीन है कि इस रास्ते में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इतना कंस्ट्रक्शन है मतलब कि ये रास्ते जाने लायक ही नहीं है। इवन हमें अभी एक दो ट्रक यहाँ दिखे हैं, पीछे भी ऐसा हो रहा था कि हमें ट्रक भी नहीं दिख रहा था। अभी हम 72 के अप्रॉक्स स्पीड पर चल रहे हैं, आप हमारा ये देख सकते हैं मीटर, 211 किलोमीटर हमने सफ़र कर चुके हैं और 300 समथिंग का अभी इसमें रेंज बचा हुआ है। अभी जो हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिए हैं, टी ब्रेक हम बोल सकते हैं इसको, आप हमारी गाड़ी की हालत देख सकते हैं, अभी इतनी कुछ खास गंदी हुई नहीं है गाड़ी, गाड़ी तो अभी बहुत चलेगी। मतलब सुबह इतना साफ़ किया था हमने गाड़ी को, तो गाड़ी कैसे गंदी हो जाएगी, पापा भी आके थोड़ा चेक कर रहे हैं।
फिर हम लोग यहाँ से अब निकलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम सिलीगुड़ी के अराउंड कहीं पे हैं, सिलीगुड़ी के आसपास हैं, मतलब वेस्ट बंगाल में ही अभी हम लोग घूम रहे हैं। और कुछ ऐसा रास्ता हमें यहाँ मिल रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन तो बहुत ज़्यादा अभी भी चल रही है। और रास्ता हमने जैसा कि सोचा था कि हमें पूरा 4 लेन ही मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी हमारे साथ नहीं हुआ, क्योंकि बेसिकली जो अभी स्ट्राइक चल रही थी उनके कारण हम थोड़ा सा अपना रास्ता को हमें चेंज करना पड़ गया, उसके कारण हमें ऐसा रास्ता मिल रहा है। अभी बेसिकली यहाँ पूरा काम चल रहा है आसाम वाले रास्ते में, आप देख सकते हैं हर एक जगह काम ही यहाँ है। एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी है, और पता नहीं अभी आगे हमें और कैसा कैसा रास्ता मिलने वाला है। यहाँ तक तो अभी यही है, अभी यहाँ से हमारा रास्ता वैसे देख रहे हैं कि थोड़ा सही हो गया है। अभी आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी अप्रॉक्स 399 अराउंड 400 किलोमीटर चल चुकी है 11.2 के एवरेज के साथ, 11 घंटे हमने ड्राइव किया है। और घर से अगर निकलने की बात करें तो ये 439 समथिंग हम घर से हैं, और ये 399 जो है हमारा जो फुल टैंक करवाए थे, मतलब एक फुल टैंक में हमारी गाड़ी अभी तक 400 किलोमीटर अराउंड चल चुकी है। अभी 105 किलोमीटर का और माइलेज है, मतलब 500 अराउंड हमारी गाड़ी चलेगी एक फुल टैंक में चल रही है। क्योंकि अब बेसिकली अब रास्ता तो आपने देखा ही है हमने कैसे कैसे कवर किया है, जंगल वंगल होते हुए गाँव होते हुए घुसा है। तो हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि आप सिटी विटी भी कंसिडर कर सकते हो, उसमें 500 किलोमीटर में सिटी विटी भी आप कंसिडर कर सकते हो कि हम सिटी भी इसमें ट्रैक घूमेंगे। एक जनरल इतना चल सकते हैं, अभी रात का सफ़र है। हमें वैसे तेजपुर वाला हमें हाईवे अभी मिल चुका है, ये जो हाईवे है ये तेजपुर हाईवे है, मतलब तेजपुर क्योंकि मैं बेसिकली असम में NH-31 है शायद, ये मैं क्या होगा आपको कंफर्म कर दूँगा, बट डिस्प्ले में यहाँ पे फ्लैश हो जाएगा आपको भी कंफर्म करके। ये जो NH है ये आपको तेजपुर तक ही NH चलने वाला है। अब हम वापस NH पे आ चुके हैं, मतलब हमें जो भी अभी पीछे फेस करना पड़ा था टूटा फूटा रोड वो सब चीज़ गया, हम असम के अंदर एंटर कर चुके हैं। और असम के अंदर एंटर करके ये हमें तेजपुर हाईवे मिला है, यहाँ से हमें ये जो रास्ता है तेजपुर तक डायरेक्टली मिला है। इसके बाद हमें कहीं भी शायद कोई डाइवर्जन नहीं मिलनी चाहिए। अभी हमें 1400 यहाँ पर टोल प्लाजा है, यहाँ पे एक टोल प्लाजा हमें यहाँ मिला है अभी, मतलब अभी तक तो हमें बेसिकली अगर सही से बताऊँ तो पीछे अभी हमें बहुत जंगल वंगल होते हुए आए हैं, हमें 3 से 4 टोल में से मिला है। ये हमारे लिए असम घुसने के साथ से पहला टोल है। और हाँ अभी यहाँ पे हमें टोल वैसे देखते क्या, अच्छा इन्होंने हमारे लिए गेट खोल दिया है। अभी हम लोग बुगाएगा NH-27 पे हैं, और ये NH-27 आपको असम घुसने के बाद कहीं भी असम में आपको जाना हो ये NH-27 आपको लेके चले जाएगा। तो हम इससे अभी तेजपुर तक जाएंगे गुवाहाटी को बाईपास करते हुए, फिर तेजपुर से हम नॉर्थ लखीमपुर के लिए एक स्लाइट कट ले लेंगे, मतलब बेसिकली वहाँ के बाद 1 वे रास्ता है और मोस्ट प्रोबेबली हम 5 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। और बाकी चीज़ें जैसे क्या ट्रिप में ज़रूरत पड़ी, क्या क्या हमको लेनी चाहिए सावधानी, और क्या क्या ट्रिप के हमारे रूट रहे, मैं आपको ये आने वाले कुछ सेकंड्स में बताऊँगा। फाइनली हम नॉर्थ लखीमपुर एंटर कर चुके हैं, और मैं अब आपको एक पूरी अपनी रोड जर्नी की, मतलब जो हमारा रास्ता रहा मैं उसका एक बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बेसिकली हमने ये ट्रिप भागलपुर से स्टार्ट किया था, हम विक्रमशिला सेतु होते हुए NH-31 पे आए, NH-31 से हमने पूर्णिया वाया पूर्णिया किशनगंज होते हुए निकलना चाहे थे, मतलब बेसिकली जो रूट होने वाला है वो किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी घुसने का रूट था, मतलब इस्लामापुर ऐसे समथिंग करके एक जगह था उसके थ्रू हम सिलीगुड़ी घुस रहे थे। लेकिन कुछ स्ट्राइक्स के कारण हमें अपना रूट चेंज करना पड़ा, ठाकुरगंज होते हुए हम सिलीगुड़ी घुसे, तो हमारा कुछ टाइम वहाँ वेस्ट हुआ। फिर हम अपना जो सिलीगुड़ी से हमारा नॉर्मल फिर वही पुराना वाला रूट चालू हो गया, NH-27 और NH-17 NH-31, ये 3 रूट्स पकड़ के हम बोगाईगांव होते हुए तेजपुर घुसे, और तेजपुर से हम फिर नॉर्थ लखीमपुर के लिए कट था जो सिंगल वे था, हम वहाँ पे कट लिए, फिर हम तेजपुर अपना नॉर्थ लखीमपुर पहुँच गए। और अगर मैं वेदर कंडीशन की बात कर लूँ, वेदर कंडीशन बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं कि हमें बारिश मिला, बारिश हमें बेसिकली कहीं नहीं मिला,
रात को अच्छा मौसम था, ना बारिश हमें मिला, धूप दिन में अच्छी खासी थी, मतलब वेदर बहुत अच्छा था। बाकी रोड की अगर बात करूँ तो रोड मुझे, अगर मैं इस मैप के अनुसार बात करूँ, जिस रूट में अगर जेनरली कोई आना चाहे तो आएगा, तो आपको पूरा रूट बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा। आपको जो थोड़ा सा ख़राब मिलेगा वो रूट मिलेगा सिलीगुड़ी के बाद और बोगाई गाँव से पहले। अब इसका एक रीज़न है, इसका एक रीज़न ये है कि मतलब वहाँ पे भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार तो मैं बोलूँगा तो 3 4 साल लग ही जाएंगे, नहीं तो वो 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें दिक्कतें सॉल्व हो गई तो मतलब आपका रोड तो पूरा अच्छा चकाचक है। और मेरा जैसे कि ये नॉन स्टॉप जर्नी था, तो नॉन स्टॉप जर्नी में मैंने इस जर्नी को कंप्लीट किया है टोटल 25 आवर्स में, क्योंकि हमारा थोड़ा सा आपको मैंने बताया ही कि स्ट्राइक के कारण हमारा 3 से 4 घंटा वेस्ट हुआ। तो अगर जनरली आप लोग अगर इस ट्रिप को कवर करना चाहोगे नॉन स्टॉप, तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे 22 आवर्स सफिशियंट होगा आपके लिए कि इस ट्रिप को आप कंप्लीट कर पाओ। बाकी कुछ अगर लोग, हर एक इंसान, तो मैं प्रिफर नहीं करूँगा कि आप नॉन स्टॉप जर्नी करो, हमारे कुछ रीज़न से इसलिए हमने किया। जैसे कि अगर मैं नॉन स्टॉप जर्नी अगर आप नहीं कर रहे हो तो स्टे की बात करूँ तो आप स्टे कर सकते हो सिलीगुड़ी, बोंगाईगांव, गुवाहाटी, मतलब आपके अनुसार, आपका जहाँ तक का ट्रिप है आप उसके अनुसार देख सकते हो। मतलब ये मेरे कुछ प्लेस हैं जो मैं आपको सजेशन में, अगर मांगोगे मुझसे तो मैं ये सजेशन में दूंगा। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई और ट्रिप, मतलब हम अभी ट्रिप्स प्लान करेंगे ही, बेसिकली अभी हम अरुणाचल जा रहे हैं, मतलब असम तक हम ये ट्रिप को ख़त्म करें, पर हम अरुणाचल में रहने वाले हैं। अरुणाचल की और भी मैं आपके पास वीडियोस लाते रहूँगा। बाकी शॉर्ट्स वीडियोस तो मैं अपलोड्स करता हूँ, डेली बेसिस पे करता हूँ, आप वहाँ विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इस किया सोनेट के बारे में मैं अगर बात कर लूँ, तो किया सोनेट 70 सीटी मॉडल है मेरी, और बेसिकली इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, मतलब कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी लैग किया। 25 आवर्स नॉन स्टॉप गाड़ी चली है, कोई कहीं दिक्कत नहीं। टॉप स्पीड 148 और एवरेज स्पीड 55 60 अप्रॉक्स रहा है हमारा। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सी यू।